तो जी डाइट रेसिपीज़ की ये मेरी दूसरी वीडियो है। और लोग कहते हैं रेड मीट मटन वगैरह खाना डाइटिंग में सही नहीं है, आप इससे वेट रिड्यूस नहीं कर पाएंगे, बट आज हम कुछ इस तरह से मटन को बनाएंगे कि आप इसको स्वाद का आपका स्वाद आएगा, मज़ा लेंगे और आप डाइट भी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगी। तो स्वागत है देवी सज्जनों आपका आपके अपने चैनल मिली लेंस किचन में, और चलिए देखते हैं कैसे बनाना एक हेल्दी फॉर्म में मटन। तो मटन जो है जी उसमें सबसे ज़्यादा लगता है तेल, सरसों का तेल जो है लोग भर भर के डालते हैं, पर आप देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 टेबल स्पून तेल ऑयल डाला है इसमें, ठीक है, सरसों का तेल यूज़ करना है। साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा ग्रीन चिलीज और हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। तो इमाम दस्ता जो होता है हमारे घर में, आपको उसमें कूट के जो मिर्च और लहसुन उसको एक साथ कूट के आपको तेल गर्म होने के बाद उसमें डालना है। साथ में मैंने डाले हैं प्याज। देखिए तेल की ज़रूरत इसलिए होती है ज़्यादा, एक तो क्योंकि जो प्याज है और जो क्योंकि बटर में काफ़ी ज़्यादा प्याज डलता है, अगर आपको थिक ग्रेवी बनानी है या करी में बनाना है प्याज काफ़ी ज़्यादा डलता है, अगर आपका ऑयल नहीं होगा तो प्याज आपका भुनेगा नहीं। लेकिन हमने सिर्फ 2 चम्मच तेल डाला है, मटन है मेरे पास 1/2 किलो, 2 चम्मच मैंने तेल डाला है। अब देखिए क्योंकि प्याज जो है वो भुनेगा नहीं, तेल हमने कम डाला है, इसलिए हमने ऊपर से डाल लिया थोड़ा सा नमक। तो नमक से क्या हुआ, जो हमारा प्याज है वो जल्दी गल जाएगा, थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगा जिसकी वजह से वो जल्दी गल जाएगा, ठीक है, और हमको ज़्यादा इसलिए हमें ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा देखिए मैंने हल्के लाइट ब्राउन हो गए हैं मेरे प्याज, तो उसको हम ज़रा जो कड़छी है स्पैचुला है उससे हम उसको प्रेस करेंगे ताकि वो एकदम प्रॉपर पेस्ट फॉर्म में बन जाए। अब ये डाला है मैंने इसमें मटन या मीट मसाला, आप कोई और मसाला यूज़ भी कर सकते हैं, MDH का मैंने मीट मसाला यूज़ किया है। मैंने इसमें 1 1/2 पैकेट जो 5 रुपीस वाले आते हैं मसाला वो मैंने यूज़ किया है, और जैसे जैसे आपका क्वांटिटी बढ़ती जाए आप मीट मसाला बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा लाल मिर्च और थोड़ा गरम मसाला, ऑल दो सब कुछ आपके मीट मसाला में होता है, बट थोड़ा सा मैंने मसाला को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें डाली है। मैं पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो भैया मसाला भूनना बहुत ज़रूरी है, तो 2-3 मिनट तक आप लो फ्लेम पर, भी पूरा लो फ्लेम पर चल रहा है, मसाला को आप भुनने दें। अभी जो मैंने डाला है ये है आपका जो ग्रीन कोरिएंडर धनिया होता है हमारे पास, हरा धनिया, उसकी जो स्टेम्स होती हैं जिसको हम फेंक देते हैं, यूजुअली हम लोग उसको डस्टबिन में डाल देते हैं क्योंकि इसका कोई हमको यूज़ नहीं दिखता, बट इसको फेंकना नहीं है। आप धनिया तो आप अलग से रखिए चॉप करके, लेकिन जो स्टेम्स हैं वो भी आपको मटन की ग्रेवी में मिलाना है। तो जो मसाला तैयार हो रहा है उसमें हमने अपना स्टेम्स जो उसकी डंडियाँ होती हैं वो हमने डाल दी। अब डालेंगे मटन ऊपर से, मटन को हमने अच्छा धो लिया है, मिक्स करते हैं मसाले के साथ। देखिए मटन बनाने की जो तरीका है वो क्या है, अभी आपने देखा होगा मैंने टमाटर ऐड नहीं किया है एक तो, और कोई हमने अभी मटन में हम सीटी भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, जो विसल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तरीका यही होता है कि इसको 1/2 घंटे तक आप लो फ्लेम पे पकने दें। देखिए मटन ने पानी छोड़ दिया, वो चीज़ें मैं नहीं दिखा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो आपने क्या किया, मटन को 1/2 घंटे तक मैंने लो फ्लेम पे पकाया, तो उसमें से देखिए जो पानी है वो पूरा रिलीज़ हो गया। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, मिला लेंगे, बंद कीजिए थोड़ा देर, फिर से इसको पकने दीजिए। तो लगभग 1/2 घंटा, ठीक है, 1/2 घंटा हमको ये पकाना है बिना विसल बिना सीटी के। चलिए तो जब 1/2 घंटा हुआ, अब हमने क्या करना है, अब आपको डालने हैं टमाटर। इतने लेट हम क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि टमाटर जो है वो आपके खाने को पकने से रोकता है, जल्दी पकने से रोकता है। तो अगर मैंने टमाटर पहले ही डाल दिए होते तो मटन मेरा वो जो 1/2 घंटा लो फ्लेम पर हमने पकाया वो पक ना पाते, ठीक है। तो ये सिर्फ मटन के साथ ही नहीं है, चिकन के साथ भी अभी ट्राई कर सकते हैं। टमाटर को हम एंड में ही डालें तो हमारा जो मटन चिकन है वो अच्छे से पकेगा। अब देखिए टमाटर मिला लिया है, थोड़ा और नमक मैंने टेस्ट किया तो कम लगा, मैंने थोड़ा स्वाद अनुसार नमक इसमें ऐड कर लिया, थोड़ा ग्रीन कोरिएंडर्स और ऐड कर लिए। इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं, जो हमारा टमाटर है, धनिया है और जो मटन है इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। नमक आप टेस्ट कर लें, अगर नमक आपको कम लगता है थोड़ा सा नमक आप और ऐड कर सकते हैं। अब देखिए अब जो अगला 1/2 घंटा हमने करना है, इसको लिड को क्लोज करके, ढक्कन को बंद करके हमें से पकाना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। सीटी आए ना आए, सीटी आ जाएगी, विसल जो है वो आ जाएगी, नहीं भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1/2 घंटा हो गया, ढक्कन खोल के देखते हैं तो बिल्कुल एकदम बढ़िया पक के तैयार है मटन। तब
टमाटर जो हमने ऐड किए थे वो भी एकदम अच्छे से पक चुके हैं। देखिए मैंने ग्रेवी ज़्यादा नहीं करी आपको, अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा पानी सीटी लगाने से पहले ऐड कर सकते हैं। तो जी मटन है बन के तैयार, एकदम हेल्दी स्वादिष्ट मटन है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आपको कैसा लगा आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए घर में, और अपना फीडबैक हमें, अपना जैसे भी आपको लगा हो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, ताकि हम आने वाली वीडियोज़ में वो इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसी लगी आपको ये रेसिपी हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें। फिर मिलूंगा आपसे एक और रेसिपी के साथ, एक और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।